ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अध्यापक परीक्षा को लेके उसमें मैं इराबोस, ये भैया कन्हैयालाल जी, इसके अलावा सत्येंद्र जी और एक दिव्यांग महिला जो आमरण अनशन पर बैठी थी, उनको लेके काफी पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा था। और उस विरोध के स्वरूप में बहुत बार ज्ञापन भी दिया गया, मंत्रियों से मीटिंग भी की गई, लेकिन परसों का एक घटनाक्रम था। परसों रात को माननीय शिक्षा मंत्री के कुछ व्यक्ति आते हैं, हम एसएमएस में एडमिट थे, मैं और हीरा जी और कन्हैया जी, हमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा कन्विंस किया, कोशिश की गई थी पहले, और बाद में उन्होंने कहा कि आपको हर हाल में यहाँ से एक बार शिक्षा मंत्री जी के वहाँ से जाना पड़ेगा ताकि आपकी बात को रख सके। उन्होंने हमें कुछ फोर्सली रूप से आमरण अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाला गया और वहाँ पे अपने सिविल लाइन्स पे बुलाया गया। हमारा उस दिन 17वां दिन चल रहा था, अठारहवां दिन चल रहा था अनशन का, और उस अनशन के दौरान हमें वहाँ से उठाया गया एसएमएस से और अपने निवास पे कन्वेंस किया गया, बार बार अलग अलग रूम में ले जाके टॉर्चर रूप में, और ये कहा गया कि आप ये अनशन तोड़े। और इसके अलावा हमें जबरदस्ती तरीके से उन्होंने 3 बार दूध पिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम उनसे माने नहीं। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि आपको फायदा दिया जाएगा, सी फर्स्ट रखा जाएगा और आगे कुछ एग्जामों में फायदा दिया जाएगा, अलग प्रकार की कुछ बातें रखने की कोशिश की, अलग अलग रूम में ले जाके कन्विंस किया गया। और उसके बाद में हमने जब अनशन नहीं तोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप चाहते हो कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, मुख्यमंत्री सामने मैं बात रखूंगा, मैं इसको क्लियर कराऊंगा। तो 2 बातें उन्होंने कही, एक तो कहा कि जिसका हमारे पास वीडियो भी है, हालांकि हमें ज़्यादा वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि वहाँ पे 20 से 25 लोग थे और उनके द्वारा 2 व्यक्ति थे, एक नंद किशोर जी जाखड़ और एक सीबी यादव जो प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय के पावार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट, जो खुद एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमें यहाँ से एसएमएस से उठाया। और उसके बाद में उन्होंने हम पे दबाव डाला गया, मैं और ईरा इसके सहित दो लड़कियां भी थी हमारे साथ, उनको भी अलग तरीके से टॉर्चर के रूप में दबाव डालने की कोशिश की। और उसके बाद में उन्होंने हमसे बाइट ली, हमें कहा आपको ये बोलना है, आपको ये कहना है, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा प्रेशर में थे, हमने मना किया बहुत सारा, उन्होंने 3 बार दूध पिलाने की भी कोशिश की। हमने जब अनशन नहीं तोड़ा, जैसे तैसे कन्विंस करके हम एसएमएस पहुंचे, और उन्होंने ये भी कहा कि एसएमएस गवर्नमेंट का ही है, हॉस्पिटल के बारे में ये कहा, एसएमएस हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट का है, हम जो चाहेंगे वैसे आपके खिलाफ हो सकता है। तो आप इस बात को हमें डराया भी गया। और इस प्रकार से जब हम एसएमएस रात को 2 बजे में वापस पहुंचा हॉस्पिटल में, और लगभग 2:40 के लगभग मैंने अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट डाली, तो उसके बाद में सुबह 6 बजे वापस वही नंद किशोर जाखड़ हमें समझाने आया, बहकाने आया और डराने आया। और उसके बाद में जब मैं नहीं माना उनके फोन, मैंने उनको कहा बाहर जाए, 10 मिनट के बाद में आपको बताता हूँ, ताकि उन्होंने कहा आपको अनशन तोड़ना है, गोविंद सिंह जी डोटासरा वो आएंगे, आपको अनशन तोड़ना है। लेकिन अनशन हमने मना किया, उसके बहुत सारे फोन्स उन्होंने मेरे कॉल पे किए जिनका मैं आपको दे सकता हूँ रिकॉर्ड, और मैंने उनका फ़ोन पिक नहीं किया, इतने कॉल करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से मुझे उस टाइम फ़ोन बंद भी करना पड़ा, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान की मांग उठाने की कोशिश कर रहा था। तो एट लास्ट उन्होंने हमारे सहयोगी जो बहन बैठी है उनके लिए, उनको जाते वक्त ये बोल के गए थे कि यदि असलम बात नहीं मान रहा है तो उसका परिणाम शाम तक वो देखेगा। और शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बोला था कि हम आपको हीरो बना सकते हैं, हम आपको विलन बना सकते हैं, इसका भी हमारे पास वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में उनके द्वारा कथित रूप से ये बात है कही गई बात है, सॉरी कथित रूप से नहीं, जिसका ज्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन कुछ वीडियोज है। क्या मजबूरी है शिक्षा मंत्री की मुख्य रूप से कि पूरे राजस्थान के जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं जिसमें 80-90% लोग इस भर्ती परीक्षा को आगे खिसकवाना चाह रहे हैं, और क्या मजबूरी रही है कि मध्य रात्रि को उनको हमें एसएमएस से उठाना पड़ रहा है, जबकि हम खुद अनशन पे थे, हमारी हालत ठीक नहीं थी, खुद नहीं आके मिल रहे थे, रात के अंधेरे में हमें डराया जा रहा है,
क्या मजबूरी रही है कि बोर्ड के एग्जाम आगे खिसका रहे हैं इस एग्जाम के लिए, और क्या मजबूरी रही है कि पंचायती जो चुनाव है उनमें भी फेरबदल सुनने में आ रहा है, और उन्होंने सुबह ये कहा हमें 6 बजे कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। जब ये उन्होंने 6 बजे हमें कह दिया है लड़का जो आके, और इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री के आवास पे थे तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे एग्जाम तो मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा, तो ये ड्रामा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, फिर मुख्यमंत्री जी का क्या रोल रहा है? एक तरफ से ये कहा जाता है कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने जाएंगे। इससे बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं, कितना निजी लाभ है शिक्षा मंत्री जी को, किसके लिए शिक्षा मंत्री इतना कुछ कर रहे हैं, कितना उनको क्या मिल रहा है, ये थोड़ा समझ से इससे थोड़ा और भी बू आ रही है, जो बार बार सवाल या निशान उठ रहे हैं। तो इस पे हम हमारी पूरी टीम इस प्रकार से कहना चाहती है कि वो जो सूबे के मुख्यमंत्री जी है या उप मुख्यमंत्री जी है, वो एक तरीके से एक कमेटी का गठन करे, स्वतंत्र कमेटी का गठन करे, जिसमें से किसी भी प्रकार से लिप्त पाया जाता है, जो शिक्षा मंत्री का कोई रोल ना हो, और इसकी जांच करवाई जाए कि इतनी कितनी जल्दी है, जब ठंड में लोग बाहर बैठ के इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, एक कांग्रेस के किसी भी एक नुमाइंदे को बात सुनने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, उनको चुप कराया जा रहा है, इतना कितना बर्डन है, जबकि वो कहते हैं कि हमें अध्यापक स्कूलों में चाहिए, तो सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा पिछले साल उसका रिजल्ट एग्जाम हुआ है, 1 साल हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, उसको नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है, तो वो उनको नहीं दिख रहा है, और ये कह रहे हैं कि सितंबर में 3000 पदों की नई भर्ती आ रही है, वो भी उन्होंने कल कैलेंडर सहित घोषित की है और मिठाइयां बांट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आप खुद समझे कि पहली बार ऐसा हुआ है, पिछली बार गहलोत साहब हर बार बोल रहे थे 2008 से 13 के बीच में प्रदेशवासियों पहली बार राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए थे, इस बार सीएम साहब बोल रहे हैं प्रदेश ये भर्ती को लेके कि पहली बार कोई भर्ती व्याख्याता भर्ती हो जो कोई भी भर्ती हो जिसका एग्जाम ही नहीं हुआ है और नई भर्ती अनाउंस की जा रही है, नई भर्ती सितंबर में अनाउंस की जा रही है, वही पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, नई भर्ती के फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं, एग्जाम करवाने की, इतना कितना लाभ मिल रहा है, उनका निजी क्या स्वार्थ है कि ये जनवरी में एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते। आपका जो धरना प्रदर्शन था उसका क्या रहा? हमारा धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट तो चल रहा है, लेकिन हमारे धरना प्रदर्शन में भी मैं हॉस्पिटलाइज था, एडमिट था 7-9 तारीख से, और उन्होंने मेरे पे केस करवाया गया है, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो मेरे पे केस किस बात पे हो रहा है? धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनको रणनीति यही है कि सरकार जवाब दे, कमेटी का गठन करे, किरोड़ी लाल जी मीना जो हमारे मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हमें सहयोग दिया है, ना कोई पार्टी के रूप में, उनके निर्देशन में हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये आवाज पूरे राजस्थान में चिंगारी के रूप में फैल रही है, जिसमें गवर्नमेंट सकारात्मक जवाब दे जिस प्रकार से, वरना ये आगामी चुनाव में उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, और इसके अलावा हर जगह गवर्नमेंट का विरोध होगा। क्या नाम है सर आपका? असलम चौबदार। असलम ये जो मामला 11 बजे स्टार्ट हो गया था, 11 बजे दिन के 11 बजे मेरे पास आए सबसे पहले, एक तो केरला के थे, एक प्रोफेसर साहब थे, एक हमारे नंद किशोर जाकर जी थे, ये तीनों आए मेरे पास में। मेरे जब से मैं एडमिट हुआ हूँ तब से पुलिस प्रोटेक्शन के लिए 5 जने गवर्नमेंट ने मेरे को मेरे साथ में रहते हैं, तो उनको बोला कि इनको साहब शिक्षा मंत्री जी के वहाँ पहले ये बोला प्रताप सिंह खासरियावास जी के बंगले पे चलो, वहाँ पे तुम्हारी मीटिंग कराई जाएगी, मैंने स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद में दूसरी बार जब दिन में ही बोला कि टोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी के वहाँ बंगले पे जाने के लिए, फिर मना करा।
ये घटनाक्रम चलता गया ये हर बार टॉर्चर यही करते रहे हॉस्पिटल में कि आपको कुछ अच्छे नहीं होने देंगे, आपकी मांगे हैं जो आप एक वार्ता करनी है, इस तरीके से हमें बेला फुसला करके पूरे दिन ये चलता रहा। फिर उसके बाद में लेट नाइट ये लोग आए और गाड़ी इन्होंने गेट पे ही खड़ी कर रखी थी और हम लोगों को कहा कि एक बार शिक्षा मंत्री जी से मिलो, सीएम साहब। फिर वहाँ जब वहाँ पे पहुँचे शिक्षा मंत्री जी के हाउस में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये दिखाया कि मैंने ये देखो आपके लिए 20 मिनट बात करी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और देवाराम जी से और तीसरा कुलदीप राका जी से। तो हमने कहा कि हमारे जो हमें सिर्फ डेट मतलब पोस्टपोन करवानी है, उसके अलावा हमें कोई मांग मंजूर नहीं है। लेकिन उन्होंने हर प्रकार से कहा कि आपको हीरो बना देंगे, आपको कई प्रकार के जो हम बताए कि आपका कैरियर है आपको वो बना देंगे। लेकिन हमने कहा कि हम अभी तक बाबा से पूछेंगे, हमारी कोर कमेटी है जो सब डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम तो जब लीडरशिप हम कर ही रहे तो सबसे डिस्कस करने के बाद हम कौन होते हैं फैसला लेने। हमारे दो साथी जो हॉस्पिटल में आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो उसके बाद में हमने ये कहा कि ये सुबह 8 बजे के आसपास सुबह हम बताएंगे, वो 5 बजे ही मेरे पास पहुंच गए थे वापस, वो ही पूरी जो दिन में जो टीम थी वो सुबह जल्दी पहुंच गई थी। फिर उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है तुम करना ही पड़ेगा ये, लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने दबाव भी डाला कि जो वीडियो बनाया था उन्होंने वो वीडियो वायरल करने जो करा कि तुमने ये वीडियो भी हमसे जो बनाया था वो ये बना कि मुख्यमंत्री जी को दिखाना है, आप अगर अनशन नहीं तोड़ रहे हो तो एक वीडियो बनवाओ। और वीडियो में हमने साफ स्पष्ट है, उनके पास में भी है तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, हमने वीडियो में कोई कुछ बात नहीं बोली है। हमारे पास आपको मैं वीडियो भी बताऊंगा जिसके अंदर शिक्षा मंत्री जी हमें फोर्स कर रहे हैं जबरदस्ती अलग अलग, इनके कम से कम उस कमरे में 20 जने थे जो हर प्रकार से कन्विंस कर रहे हैं। आज 18 दिन से हम भूखे बैठे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है लगातार कि आप इस तरीके से, हमारी वो हालत नहीं थी। आधे एक घंटे तक शिक्षा मंत्री जी ने वेट करवाया हमें वहाँ अंदर, लेकिन हमने कहा हमारी पीठ दर्द हो रही है, हमारी हालत सही नहीं है, उनको बुलाइए। जब डेढ़ लाख नहीं सर, पूरे 7 लाख है, ये शिक्षा मंत्री की भाषा है 1.5 लाख की। तो उनकी कोई बात मानी नहीं ना, उन्होंने दूध पिलाने की कोशिश की है वो नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी, जबरदस्ती सर वीडियो बनाने नहीं दे जा रहे हैं वहाँ पे। ये भी डाला है उसमें ये है कि आप उनकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं कि हमें वो कथित रूप से हमारा सहयोगी बन रहा है, हमारे साथ नहीं था। वो वही व्यक्ति है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नंद किशोर जाखड़, वो बोल रहा है ना कि हम बोल रहे हैं। और हमें इस प्रोटेस्ट में उसकी कोई भूमिका नहीं है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें कोई भूमिका नहीं थी। और मैं तो पहली बार उनको जाना है कि वो हमसे मिलने आया, मैं कभी पर्सनल रूप से कभी उनको देखा भी नहीं था, सही बात तो ये। और ये प्रोटेस्ट केवल एक संगठन की बात नहीं थी, ये प्रोटेस्ट एक युवा के हितों के लिए किया गया था और युवा वर्ग सभी जुड़े थे। इस प्रोटेस्ट में कोई बैनर तले होना या नहीं होना वो इसलिए था कि जी शिक्षा मंत्री तो कुछ भी करें तो उसमें कहां दिक्कत थी कि अगर मान लीजिए आर पार हो ही रहा है कि मैं आपको दिक्कत नहीं है तो अगर वहां भी आर पार हो जाता तो दिक्कत क्या थी? वहां पे हमने मना किया ना उनकी बातों को, उन्होंने हमने मना किया तो उन्होंने धमकी भी दी है कि आपकी बात हम आपको ये कर देंगे। और उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने सभी लोगों के मध्य ऐसा मैसेज छोड़ने की कोशिश की है कि ये लोग कन्विंस हो गए और लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज भी डालने की कोशिश किया कि ये तो रात को बिक चुके हैं। और उसके बाद में एक और दूसरा पक्ष को बुलाया गया 6 बजे बाद में, मिठाई खिलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि कोई भर्ती के लिए शुभकामना दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनको पहले से कैसे पता चल रहा है कि भर्ती, एक तरफ से ये कहा जा रहा है ये भर्ती का जो सवाल है वो सीएम साहब ने फैसला लिया है, मुख्य सचिव है मंजू राजपाल जी है जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने फैसला लिया बैठ के, और दूसरी तरफ से वो हमारे बाद में मिठाई खिला रहे हैं। तो मतलब पहले से तय था ये प्रोग्राम, सारा तय था, और सिर्फ हमें
तोड़ने के लिए, हमें बहकाने के लिए, हमें डराने के लिए इस प्रकार की उन्होंने बातें कही है और किया है। परीक्षा तय समय पर होती है तो क्या करेंगे आप? सर, परीक्षा के लिए बता रहा हूँ, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, चाहे कितने भी तहसील मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है और जयपुर है। परीक्षा यदि तय समय पर होती है तो आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, युद्ध पूरा बहिष्कार कर रहा है कि वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी जो हमारे पास वीडियो है उसमें इन लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारा इस बात में कोई फायदा नहीं है, आपकी दो मांगे हैं, एक डेट बढ़ाना और एक नई भर्ती है ना। फिर इन्होंने वो बोल दिया कि भाई हमें मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मांगे सुनेंगे। उन्होंने इनको जो फोर्स करके जो भी बुलवाया, ठीक है। फिर जो सुबह जो आए थे नंद किशोर जी वगैरह, अब अगर ये इस भर्ती का सारा फैसला मुख्यमंत्री जी लेने वाले थे तो उनको 6 बजे ये बात कैसे पता थी कि आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली? वहाँ पे उन्होंने ये दोनों बातें बोली हैं, ये हमारे पास सबूत है कि उन्होंने ये बुलवाया है कि भाई तुम्हारी दो मांगे हैं, है ना, एक डेट आगे बढ़ाना और नई भर्ती निकालना, ये आपको बोलनी है, इन्होंने वो बात बोल दी है ना। फिर उनको सुबह 6 बजे जब मुख्यमंत्री जी सर से तो मीटिंग ही लेट हुई है तो उनको कैसे पता है? उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैडम आप चाहे कुछ भी कर लो आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली, है ना। तो मैंने बोला कि कारण बताओ आप। बोले आप है ना, आप राजनीति में पहले थे क्या? मैंने कहा नहीं हूँ। बोले आपने पहला आंदोलन किया है, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, आपको पता है क्या राम रहीम वाला कोई कांड हुआ था हरियाणा में, वहाँ पे 20,000 लोगों पे मुकदमे हुए थे, क्या कर लिया सरकार का? बोले तुम सरकार से लड़ सकते हो क्या? सरकार आपका अनशन जबरदस्ती भी तुड़वा देगी तो तुम क्या कर लोगे? तो हाँ, धमकी दी गई सर, मैं मेरे को बोला गया ये बात। तो सर अब ये बताओ, जब इस बात का उनको पहले से पता है 6 बजे की तुम्हारी डेट पोस्टपोन नहीं होगी, है ना, तो फिर बाद में मुख्यमंत्री सर मुख्यमंत्री जी से ये सब करवाना, मीटिंग करवाना, ये क्या मतलब था उस चीज का, ये बताइए आप। एक सवाल मेरा है कि जो एक्चुअल में ये है कि सिस्टम खुद इसको जो आगे नहीं करवाना चाह रहा है, तो लोगों के द्वारा वही सवाल उठ रहा है कि प्री जो बोर्ड के एग्जाम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पंचायती चुनाव का सिस्टम आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग टंकियों पे चढ़ी है महिलाएं, इसके लिए पूरे राजस्थान में रैली निकली गई है, एक कैबिनेट मंत्री ने मीडिया में आके बाइट दी है कि एग्जाम आगे बढ़ा दिए जाएंगे, मीडिया में बोला है और मेरे पास उन्होंने लाइव भी बोला है, वो लाइव भी मौजूद है, आगे कर देंगे। ये प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने बोला है, एक कैबिनेट मंत्री का बयान एक राज्य मंत्री नहीं मान रहा है, सेम सरकार में या तो उनके मध्य विरोधाभास है या फिर एक राज्य मंत्री को कोई निजी ही स्वार्थ है, निजी ही स्वार्थ है। और निजी स्वार्थ के साथ सबसे बड़ा एक और सवाल उठ रहा है, कोई एक नामी कोचिंग है उनकी, खुद की नाम मैं नहीं ले रहा फिलहाल, लेकिन उनकी एक कोचिंग है, सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है जैसे कथित रूप से है कि उस कोचिंग को से लगभग 40 HM लगे थे पिछली बार और इस बार वो ज्यादा हो रहा है, कि वो कह रहे हैं बोल के कि प्रथम श्रेणी में फायदा हुआ। गाड़ी में जब हम लोग बैठे तब से हम लोगों को प्रलोभन देना शुरू कर दिया था कि आपको कोई राजनीतिक पद चाहिए, आपके साथ वालों को चाहिए, हमसे सब्जेक्ट भी पूछा गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिए, आगे का हम देख लेंगे। जब ईरा असलम के साथ जबरदस्ती की जा रही थी अनशन तोड़वाने के लिए तो मैं बीच में बोल पड़ी, मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई और इवन लालच दिया गया कि अगर मैं हेल्प करती हूँ अनशन तोड़वाने में तो मुझे कोई अच्छा पद देंगे वो पार्टी में। पूरी तरह से कोशिश करी है, हर तरह से टॉर्चर किया है, वो लगभग 20-25 लोग थे, हम सिर्फ 4 लोग थे वहाँ पे, हमारे फोन साइड में रखवा दिए, मुझे बीच में बिठाया गया, एक लड़का इधर बिठा दिया, एक लड़का इधर बिठा दिया, फोन साइड में रखवा दिया ताकि हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। फिर भी हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है जितना हमसे कोशिश हुआ, बाकी हमें पूरी तरह से टॉर्चर किया गया है वहाँ पे। और उन्होंने ये भी बोला कि इस चीज़ का क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, तो हमने ये भी कहा था कि हम लोगों को क्रेडिट नहीं लेना, हमें जो 8 लाख हमारे छोटे बड़े बहन भाई हमारे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, ये जो दो हमारे साथी हमारे साथ थे इन्होंने भी यही कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हम अनशन उसी हालत में तोड़ेंगे जो हमारे SMS में 2 भाई एडमिट है, एक दीदी और एक भैया। तो माननीय डोटा सरा जी ने मेरे से कहा कि यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है और आपके मोबाइल साइड में रख दीजिए और आप दूध पी लीजिए। तो मैंने कहा कि मीडिया तो नहीं है पर ईश्वर तो साक्षी है इस चीज का। तो उन्होंने कहा कि ये तो हर जगह होता है पर यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है, आप इस भरोसे रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि तुम्हें माननीय जी ये मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला है, इस मौके को आप मत खोइए। अब मंत्री जी बार बार किसी से नहीं मिलते, 1 घंटा दिया है इन्होंने आपसे मिलने के लिए, आप आगे जब भी इनसे मिलने आओगे तो आपको ये जो 10 लोग खड़े हैं ना ये रोकेंगे नहीं, आप डायरेक्ट इनके पास आ सकते हो।
तो आप इनके लिए खास हो जाओगे। और हमारे जो बाबा है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए बोला गया कि आप ये मान नहीं रहे ना ये बात, कल हम बाबा को साइड में लेके ये बात उनसे मनवा देंगे और इस आंदोलन का क्रेडिट हम बाबा को दे देंगे। ये बहुत सारी बातें कह के ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।